अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम आए थे जी आज एक आउटिंग पे, और ईमान चूंकि हमारी आगे आगे थी तो वो इस जगह पर आकर रुकी। बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करते हैं ये डिफरेंट कलर्स, तो जब हमने भी ये देखा तो पहले तो हमने भी बड़ी तारीफ की कि बंदे का कितना टैलेंट है कि वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के फ्लैग्स बना रहे हैं। लेकिन बाद में हमें दुख हुआ कि वो अपना टैलेंट या ये जो डिफरेंट फ्लैग्स है ये ज़मीन पर क्यों बना रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है, मतलब ये ज़मीन पर बनाना चाहिए या नहीं? तो बहरहाल आज बात करते हैं हम बुक रीडिंग के हवाले से। और बुक रीडिंग जो है, एक वक्त था जब लोग बड़े शौक से अपने जो है अपनी पॉकेट मनी से पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी पसंद की जो बुक्स है या कुछ वेट करते थे कि ये बुक कब आएगी और हम ये बुक्स लेंगे और इसको पढ़ेंगे। लेकिन अब ये जो शौक है ये ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मोबाइल जो है इसने सारी ये जो शौक है ये ख़त्म कर दिए हैं। हर एक के पास मोबाइल आ गया है, और आजकल की जो जनरेशन है वो बुक रीडिंग से बहुत दूर चली गई है। वो अपने स्कूल की बुक्स ही पढ़ लें तो बड़ी बात है, लेकिन इस चीज़ को वापस लाने के लिए कि लोग दोबारा से बुक रीडिंग की तरफ आएं, जर्मनी ने भी एक बड़ा अच्छा काम शुरू किया हुआ है कि उन्होंने ओपन लाइब्रेरी लगा दी है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं, कम अज़ कम 20 से 25 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर जर्मनी के ये डिफरेंट जो लाइब्रेरी है ये उस जगह पर जाकर सेटअप लगाते हैं कि लोग यहाँ आएं और इसमें इंजॉय करें, रिलैक्स हों, लेट कर बैठ कर, ज़मीन पर बैठें, ऊपर बैठें, जैसे भी बैठ कर, जैसे उनकी मर्ज़ी है, बस वो बुक्स पढ़ें। और डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स की, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की यहाँ बुक्स हैं। और हम जब इस जगह पर आए थे तो ये लास्ट बैच था इनका, मतलब इसके बाद कोई ये नहीं लगनी, क्योंकि नॉर्मली ये समर पे लगती है और अब चूंकि जितनी सर्दी स्टार्ट हो गई है तो वैसे ही किसी ने नहीं आना। तो इसलिए हम जब इस जगह पर आए तो मज़ा आया, हमने डिफरेंट टॉपिक्स की बुक्स देखी। लेकिन बुक्स पढ़ने की बजाय बहुत सारे जो लोग थे वो शॉपिंग करके जो थक हार के निकल रहे थे, तो यहाँ पर वो रेस्ट करने बैठ गए, बुक्स नहीं पढ़ी लेकिन रेस्ट करने यहाँ डिफरेंट जगहों पर बैठ गए थे। लेकिन बहरहाल यहाँ कोई आपको मना नहीं करने वाला था, कोई इसकी कॉस्ट वगैरह नहीं थी, आपने आसानी से आना बुक्स पढ़ना है। लेकिन बुक्स यहाँ कम ही पढ़े थे लोग, और ही एक्टिविटीज़ ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक दिन ऐसा भी आता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ पर जो लगाया ना इसमें 3-4 दिन ये रहता है, और यहाँ पर फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो ऑथर हैं, डिफरेंट ऑथर वो आते हैं और वो लाइव रीडिंग करते हैं। तो ये एक अच्छा सेटअप है, एक अच्छी कोशिश है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती किसी को किसी चीज़ पे ला नहीं सकते। लोग समटाइम फ़न के लिए फ्रेंड्स अपने साथ निकले होते हैं, तो फ़न के साथ ही वो इस चीज़ की तरफ आते हैं, तो समटाइम क्या पता कोई बंदे का इंटरेस्ट जो है वो दोबारा आ जाए। तो बहरहाल ये एक अच्छी कोशिश थी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।